और इस समय मुंबई से खबर है, जान धमकी भरे मामले में सलमान खान का बयान सामने आया है। अब तक 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए जा चुके हैं और जब्त भी कर लिए हैं। मामले में अब तक 4 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस मिलकर मामले की जांच कर रही है। कुल 10 टीम सलमान खान केस की जांच में जुट गई है। अब तक कोई पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। आपको बता दें कि सलमान खान को धमकी मिली है और धमकी भरा ये बात सामने आ रही है और इसको लेकर के अब सलमान खान के घर के बाहर की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट ने धमकी मिलने के बाद एक्शन लिया है। सलमान और उनके पिता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम सोमवार को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची। आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी 5 जून को सलमान और सलीम खान को धमकी भरा खत मिला था। इस मामले में बांद्रा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। बांद्रा के बैंड स्टैंड प्रोमेनेट में सलीम खान के गार्ड को यह खत उस जगह मिला जहां सलीम मॉर्निंग वॉक के बाद जाकर बैठते हैं। लेटर में सलमान और सलीम खान को धमकी दी गई है। उनका हाल सिद्धू मूसेवाला, आपको बता दें कि उनका हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा कर दिया जाएगा, ये खत में लिखा गया है। और इस खत में जीबी और एलबी भी लिखा गया है, जिससे पुलिस यह मान रही है कि सलमान को यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। टीमों को गठित कर दिया गया है, फॉरेंसिक टीम को लगाया गया है, आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया है इस दौरान। और धमकी भरे लेटर मिला है जिसमें कहा गया है कि सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल किया जाएगा। तो ये बड़ी बात अब सामने आ रही है। फिलहाल अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, पूरी तरह से सिक्योरिटी दी गई है। और साथ ही आपको ये बता दें कि सलमान खान के घर के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब तक 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल लिए गए हैं। तो फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और इस खत को लेकर के भी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं। करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाली गए हैं, साथ ही उन सीसीटीवी फुटेज को जब्त भी कर लिया गया है। पुलिस स्थानीय लोगों से भी पूरा पूछताछ की जा रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि लेटर भी मिला है, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मशहूर फिल्म अभिनेता सलमान खान को मिली है जान से मारने की धमकी। जी हाँ, जान से मारने की धमकी। उनके पिता सलीम खान को पत्र मिला है जिसके जरिए यह पता चला कि सलमान खान को जान से मार दिया जाएगा। यानी उसमें जो चिट्ठी लिखी है, जो सूत्रों के माने तो उसमें यह लिखा हुआ है कि उनका भी सिद्धू मूसेवाला कर दिया जाएगा। आपको पता, सिद्धू मूसेवाला जो पंजाब के एक बहुत मशहूर सिंगर रहे जिनकी हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद से सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बढ़ा दी गई थी हत्या के बाद से। लेकिन पत्र मिलने के बाद मुंबई पुलिस और सलमान खान का परिवार और सकते में आ गया किस तरीके से आखिरकार इनकी धमकियां मिल रही है। हम आपको दिखा रहे हैं वही जगह जहां पर उनके पिता हर रोज टहलने के लिए आते हैं। ठीक 200 मीटर कदम के पीछे यहां पर सलमान खान का घर, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट देख रहे हैं आप, यहीं पर सलमान खान रहते हैं। सलमान खान के पिता सलीम खान रोज सुबह टहलने के लिए आते हैं। करीबन 7 बजे के पहले वह टहलने के लिए आते हैं और टहलने के बाद वह सीधे यहां पर जो बेंच देख रहे हैं, इसी बेंच पर वह आकर यहां पर बैठते हैं और अपने तमाम दोस्त होते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, टहलते हैं। और बैठते जब यहां पे बैठा जब उन्होंने, तो उसी वक्त उन्हें एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि तुम्हारे बेटे सलमान खान का भी सिद्धू मूसेवाला कर दिया जाएगा, जो पुलिस सूत्रों के माने। तो उसके बाद से जाहिर सी बात है, पिता के नाते इस पूरे मामले पर उनकी और जो पूरी फर्ज होता है कि पुलिस कंप्लेन करे, और यही वजह है कि इस पूरे मामले लेकर उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दिया। हालांकि आपको बता दूं, यह बहुत पॉश इलाका है। आप देख रहे हैं कि यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर एक कुछ दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है, कौन आ जा रहा है, उसकी निगरानी रखी जा सके। तो मुंबई पुलिस के पास ऐसी तमाम जानकारियां हाथ लग रही हैं। जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है उसको लगातार खंगाला भी जा रहा है कि क्या लेटर कौन यहां रख सकता है, जब जब सभी को पता है यानी सलीम खान यहां हर रोज आकर बैठते हैं और उस शख्स को
जो रखने वाला शख्स है उसे पता होगा कि जब यहाँ पर सलीम खान बैठने आएंगे तो उन्हें पत्र मिलेगा और उसके बाद से मामला आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाकचौंध इंतजाम मुंबई पुलिस कर चुकी है। मुंबई पुलिस के अधिकारी सलमान खान के घर पहुंचे हैं और सलमान खान खुद इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं और सलमान खान उनके पिता सलीम खान से लगातार जानकारी ली गई आखिरकार कौन हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर शक जा रहा है, हालांकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने राजस्थान में जो काले हिरन का जो मामला चल रहा था सलमान खान के खिलाफ, उस दौरान उसने साफ साफ कहा था कि वह सलमान खान को जान से मार देगा। ऐसी बातें लगातार सामने आ रही थी। इसके बाद से जब सिद्धू मूसेवाला का कांड हुआ उसके बाद से ही मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी पहले, लेकिन अब चूंकि सीधा लिखित पत्र मिला है, धमकी भरा पत्र मिला है, इसके बाद से मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा हरकत में आई है और पूरे मामले की जांच बहुत तेजी से कर रही है। आगे घर के बाहर की बात करें, बाहर की बात करें और अंदर की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन पुलिस हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है आखिरकार वह शख्स कौन होता है जो सलमान खान के पिता सलीम खान के जहां बैठते हैं उस जगह पत्र रखकर धमकी दिया हुआ है। कैमरा रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो वही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अभिषेक शर्मा, उनसे जानना चाहेंगे विस्तार से। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं, करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, क्या कुछ जानकारी है वो भी जरा बताए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने डिटेल सुना किस तरीके से जब जहां पर सलीम खान जहां पर टहलने के लिए जाते हैं उस जगह पर जब बैठते टहल के आने पर बैठते हैं उस जगह पर वो पत्र रखा हुआ था। तो जरूर देखिए वो पत्र मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से उन्होंने पुलिस को बताया, पुलिस ने जरा सा देरी ना करते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है। एफआईआर 506 धारा 2 यूआईपीसी की है, उसके तहत मामला दर्ज किया गया, जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। अब तक करीबन 4 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, उसमें सलमान खान है, सलीम खान उनके पिता है, साथ ही साथ कुछ अन्य और 2 लोगों से पूछताछ हुई है, यानी करीबन 4 लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। कारण साफ है खंगाले का कि अगर वहां पे कोई आया हुआ शख्स चिट्ठी रखने के लिए तो क्या वहां से आसपास से गुजरा है, क्या कौन हो सकता है, सस्पेक्टेड कौन हो सकता है, उसकी जानकारी लगातार ली जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी निकली है कि जहां पर चिट्ठी मिली हुई है उसके सामने सीसीटीवी लगा जरूर है, लेकिन पेड़ के होने की वजह से वह रिकॉर्ड उसमें नहीं हुआ है। इसलिए पुलिस उन तमाम जगहों पर जांच पड़ताल कर रही है, सीसीटीवी फुटेज जब्त कर रही है ताकि कोई भी सस्पेक्टेड आदमी ऐसा लगे उस आधार पर आगे की जांच हो। लेकिन मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि अब तक लॉरेंस बिश्नोई का कोई भी हमें सुराग नहीं मिला है, लेकिन अगर लगता है मिलेगा तो हम तिहाड़ जेल जाकर दिल्ली से पूछताछ करेंगे, जानकारी और लेंगे। लेकिन पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस पूरी तरह तैयार खड़ी है और सुरक्षा व्यवस्था सलमान खान को उनके सलीम खान को दी जाएगी, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसा कि खुद आला अधिकारी पुलिस के हैं उनके घर पर पहुंचे हुए और सुरक्षा व्यवस्था के तक अभिषेक जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके बड़े अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है इस मामले को लेकर के, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कह रहे हैं वो। देखिए इस पर मामले पर खुद मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो संजय पांडे, उनका बिल्कुल उनसे बातचीत हुई है, उनका बयान आया हुआ है कि हम इस पर मामले पर बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, बहुत बड़ा मामला है और हम किसी भारत में इसको कोई भी चूक नहीं होगा इसका पूरा भरोसा दिलाते हैं और किसी को कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, मुंबई पुलिस इसके लिए बहुत ज्यादा सतर्क है और अलर्ट है, कहीं पर भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे सामने आए हैं और खुद यह आकर उन्होंने बयान जारी किया। इतना नहीं बल्कि जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर संजय नागरे पाटिल जो है, विश्वास नागरे पाटिल, वह मौके पर पहुंचे, सलमान खान के घर पर गए, सलमान खान से मुलाकात उन्होंने किया, सलीम खान से मुलाकात किया, बयान लिया गया, तो पूरी तरीके से पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाई जा रही है। जी अभिषेक जी, जिस तरीके से जो खत मिला है उसमें कहा जा रहा है, जो धमकी भरा खत मिला है उसमें ये भी लिखा है कि जो पंजाबी सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, जो हत्याकांड हुआ था इस दौरान, और ये जो कनेक्शन है ये सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड से कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि उस धमकी भरे लेटर में ये भी लिखा है कि सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल किया जाएगा। तो क्या लगता है, क्या सिद्धू मूसेवाला की तरह जो गोली मार करके हत्याकांड किया गया क्या, और साथ ही क्या कनेक्शन उसी आरोपी से बताए जा रहे हैं, क्या वो ही आरोपी है, सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा वो ही है जो ये लेटर जिसने भेजा है।
देखिए यह अभी जांच का विषय, यह कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी और हमें साथ नहीं कहना भी नहीं चाहिए कि यह लालेश बिश्नोई का ही काम हो सकता है। देखिए इसके पीछे कोई अनजान शख्स हो सकता है, कोई हरकतें भी कर सकता है, फर्जी लेटर भी हो सकता है। पुलिस तमाम एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि लेटर लिखा जो लगा है, दो लाइन का लेटर लिखा हुआ है कि सलीम खान सलमान खान का जल्द ही जो मूसे वाला हो सकता है, यानी साफ उसके पीछे जीबी और एलबी लिखा गया है। एलबी का मतलब साफ है लालेश बिश्नोई, तो हो सकता है कि लालेश बिश्नोई की तरफ से पाया गया। जी अभिषेक जी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।